कछुआ परेशान होते हुए मन में सोचता है, ये चैटर्जी और तारा कहाँ पर रह गए? इन्हें तो हमसे पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, पर ये अब तक यहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वर्चस्विनी रोते हुए फिर कछुए से कहती है, मेरी तारा कहाँ है कछुआ, कहाँ पर है वो? कछुआ वर्चस्विनी को सहूलियत देते हुए कहता है, तारा यहीं पर होगी वर्चू, वो यहीं पर होगी, तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। इतना कहकर कछुआ तारा और चैटर्जी को फिर आवाज लगाने लग जाता है, पर उनका कुछ जवाब नहीं आता है। कछुआ तारा और चैटर्जी को वहां पर ढूंढना शुरू कर देता है। उसे तारा और चैटर्जी को अकेले पागलों की तरह ढूंढते हुए देख बाकी सब भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। सभी लोग मिलकर झरने के चारों तरफ छान मारते हैं, पर ना ही उन्हें कहीं तारा दिखाई देती है, ना ही चैटर्जी। वर्चस्विनी फिर परेशान होते हुए कहती है, मेरी तारा कहीं पर मिल क्यों नहीं रही कछुआ, ये चैटर्जी उसे कहाँ पर लेकर चले गया? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कायर अपना दिमाग चलाते हुए तुरंत बोल पड़ता है, हो सकता है वो लोग अभी तक यहाँ पर पहुंचे ही ना हो, रास्ते में हो। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, पर वो तो हम सबसे पहले निकल गए थे, फिर अब तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? कछुआ वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, वो दोनों आ ही रहे होंगे वर्चू, रास्ते में होंगे, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तारा को कुछ नहीं होगा, महादेव पर भरोसा रखो। अमोदिता भी झट से बोल पड़ती है, मुझे भी यही लगता है, हमें यहीं पर उन दोनों का इंतजार करना चाहिए, वो दोनों आते ही होंगे। वर्चस्विनी के पास उन लोगों की बातें मानने के अलावा इस वक्त कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो उन लोगों की बात मान लेती है। वहीं पर तारा और चैटर्जी के वापस आने का इंतजार करने लग जाती है। बाकी सब भी कहीं ना कहीं अलग अलग बैठने लग जाते हैं और तारा चैटर्जी के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। इस तरफ यामिनी, अभिमन्यु, डायना और पलक अपने कदम कालाझाड़ी जंगल के अंदर बढ़ाते जा रहे थे। पलक जब से चल रही थी अभिमन्यु से कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी, पर अभिमन्यु था कि उसकी बातों का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, बस खामोशी के साथ चलते जा रहा था। अभिमन्यु कई बार पलक से चुप रहने को बोल चुका था, पर पलक थी कि कोई ना कोई टॉपिक छेड़ ही देती थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए अभिमन्यु खुद चुप हो गया था। पलक की आवाज सुन सुनकर डायना के कान भी पक गए थे, वो तंग आ गई थी पलक की आवाज सुनकर। उसके मन में तो आ रहा था कि इसी वक्त वो अपने डायन रूप में आए और अपनी चोटी से पलक का मुंह बांधे, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि इस वक्त वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। बस अभिमन्यु और यामिनी ही जानते थे कि वो डायन है, उन दोनों के सिवा ये बात कोई और नहीं जानता था। युग और यामिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, उन्हें तारा की फिक्र खाई जा रही थी, उन्हें जल्द से जल्द झरने के पास पहुंचना था, इसलिए सबसे आगे आगे वो दोनों ही चल रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों के पीछे चल रहा था, तो उसके पीछे डायना और सबसे पीछे पलक। डायना जानबूझकर अभिमन्यु और पलक के बीच में चल रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो अभिमन्यु के जरा सा भी पास आए और फिर उससे चिपके। पलक चलते हुए फिर अभिमन्यु से बोल पड़ती है, ये जंगल तो सच में बहुत प्यारा है अभी। डायना का सब्र का बांध टूट चुका था और वो अगले ही पल पलक पर चिढ़ते हुए बोल पड़ती है, तुम्हें ये जंगल कहाँ से प्यारा लग रहा है पलक? दिख नहीं रहा सारे पेड़ काले पड़े हुए हैं और तुम इस जंगल को प्यारा कह रही हो? पलक डायना के पीछे ही चल रही थी, जिस कारण उसे डायना की कमर के नीचे तक आती चोटी क्लियर दिख रही थी, जो कि नागिन की तरह डोल रही थी यहाँ से वहाँ। पलक डायना की चोटी को घूरते हुए कहती है, पेड़ काले हैं तभी तो प्यारा लग रहा है ये जंगल डायना, मुझे ना काली चीजें बहुत पसंद है, जैसे कि तुम्हारी ये काली सफेद चोटी। तुम अपनी चोटी मुझे दे दोगी क्या, इसे काट कर मैं लगा लूं? जैसे ही पलक ये बात बोलती है, डायना रुक जाती है, पीछे पलट जाती है और गुस्से से उसको घूरने लग जाती है। डायना मन ही मन बड़बड़ाती है, चोटी काटने से पहले मैं तेरा गला ना काट दूं पलक की बच्ची। डायना की आंखें देखकर पलक समझ जाती है कि वो गुस्से में है। पलक उसी वक्त उससे एक कदम आगे निकलती है और अभिमन्यु के साथ साथ चलते हुए मुद्दे को बदलते हुए कहती है, तुम्हें याद है अभी हम भी ऐसे ही जंगल में जाया करते थे? डायना भी तुरंत दो कदम आगे आती है और अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहती है, ये पलक क्या बोल रही है अभी, तुम इस पलक के साथ जंगल में जाया करते थे पर क्यों? अभिमन्यु कुछ जवाब देता उससे पहले ही पलक झट से बोल पड़ती है, जंगल में मंगल करने के लिए। ये बात सुनते ही डायना मुंह बनाने लग जाती है और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। पलक अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कुछ शर्माते हुए कहती है, डायना देखने से तो तुम समझदार लगती हो, पर लगता नहीं कि तुम समझदार हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या प्रेमी जोड़े जंगल में क्यों जाते हैं? हम भी वहां पर वही करने गए थे, काम करने के लिए। डायना चिढ़ते हुए अभिमन्यु से कहती है, अभी ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम इस पलक के साथ जंगल में गए थे काम करने के लिए? अभिमन्यु डायना को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ डायना हम काम करने के लिए गए थे, पर ये पलक जो बोल रही है वो काम नहीं, दूसरा काम। डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, दूसरा काम? कैसा दूसरा काम? पलक फिर बीच में बोल पड़ती है,
डायना, तुम फिर बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। वही तुम खुद अच्छे से जानती हो, जंगल में कौन सा काम होता है प्रेमी जोड़ों का। मैं और अभी, पलक अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु उस पर चिढ़ते हुए कहता है, पलक मैंने तुमसे कहा था ना तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम शांति से चुपचाप नहीं चल सकती क्या, जब से बकवास कर रही हो। डायना को कुछ का कुछ मत बताओ। अभिमन्यु डायना पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, और डायना तुम इस पलक की बातों पर ध्यान क्यों दे रही हो, ये तो झल्ली है, कुछ भी बोलती रहती है। मैंने कहा ना मैं तुम्हें दैवीय झरने के पास चलकर सब कुछ बता सकता हूँ, वहां पर पहुंचने तक तुम शांति के साथ चल नहीं सकती हो। क्या तुम लड़कियों को एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है। अभिमन्यु उन दोनों को गुस्से के साथ घूरता है और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, पहले ही क्या यहाँ पर कुछ कम मुसीबत थी जो अब ये पलक भी आ गई। अभिमन्यु इतनी तेजी के साथ अपने कदम बढ़ाता है कि वो योग यामिनी से भी आगे आ जाता है और सबसे आगे चलने लग जाता है। डायना पलक को गुस्से से घूरते हुए मन में सोचती है, अभी अभी तो जैसे तैसे मेरी और अभी की प्रेम कहानी शुरू हो रही थी, पता नहीं ये पलक कहाँ से आ गई। डायना पलक को घूरते हुए कहती है, देख लूंगी मैं तुझे बाद में पलक। इसी के साथ डायना वापस से आगे बढ़ने लग जाती है। पलक मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने क्या किया, सच ही तो बोला था, ये दोनों भी ना ये अभी बिल्कुल नहीं बदला, पूरा वैसे का वैसा ही है, गुस्सैल। पलक भी अपने कदम डायना के पीछे पीछे आगे बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ झरने के पास सभी लोग तारा और चैटर्जी के आने का इंतजार कर रहे थे, पर उन दोनों में से अभी तक कोई नहीं आया था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था वर्चस्विनी की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। सिर्फ वर्चस्विनी ही टेंशन में नहीं थी, बाकी सब भी टेंशन से भरे हुए थे। सबके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। वर्चस्विनी के बाद अगर तारा की किसी को सबसे ज्यादा फिक्र थी तो वो बिंदु थी। बिंदु तो एक जगह पर बैठ ही नहीं रही थी, वो बार बार कायर को परेशान कर रही थी, उससे पूछे जा रही थी कि तारा आखिर कहाँ पर रह गई। वो तो तारा को ढूंढने के लिए वापस कालाझाड़ी जंगल जाने की बात भी कहने लगी थी। कायर ने जैसे तैसे उसे समझाया था और वहीं पर रहने के लिए कहा था, पर तब भी बिंदु के मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी और वो झरने के पास ही बार बार यहाँ से वहां चले जा रही थी। सभी तारा और चैटर्जी के आने का ही इंतजार कर रहे थे कि उन दोनों के वहां पर आने से पहले ही योग यामिनी, अभिमन्यु, पलक और डायना वहां पर पहुंच जाते हैं। जब पलक और डायना उस दैवीय झरने को पहली बार देखते हैं तो उन दोनों के भी चेहरे पर वही एक्सप्रेशन थे जो कि बिंदु के थे। वो दोनों भी उस दैवीय झरने को देखकर निशब्द हो गई थी, एकटक नजर से बस उस झरने को ही देखते जा रही थी। योग वहां पर मौजूद लोगों पर अपनी नजरें फेरने लग जाता है। जब उसकी नजर बिंदु पर पड़ती है तो वो काफी हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि बिंदु वहां पर क्या कर रही थी, पर उसकी निगाह ही जिसे ढूंढ रही थी वो बिंदु नहीं थी बल्कि तारा थी। उसे बाकी सब तो नजर आ रहे थे पर तारा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। युग खुद से बड़बड़ाता है, ये तारा और चैटर्जी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे। जिस तरह युग बिंदु को देखकर वहां पर हैरान हुआ था, कछुआ और बाकी सब भी पलक को देखकर हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अपने साथ ये कौन सी नई लड़की को दैवीय झरने के पास लेकर आ गए हैं। कछुआ उस लड़की के बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि उससे पहले ही युग कछुए से पूछ पड़ता है, कछुआ तारा और चैटर्जी कहाँ पर हैं? कछुआ मायूसी के साथ पलटकर जवाब देता है, वो दोनों अभी तक आए नहीं है युग। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अभी तक आए नहीं है मतलब, वो तो तुम लोग के साथ ही थे ना। यामिनी भी बीच में बोल पड़ती है, तुम सब तो एक साथ ही निकले थे ना हवेली से, फिर तारा और चैटर्जी कहाँ रह गए। कायर मुंह लटकाते हुए कहता है, हम सब हवेली से एक साथ तो निकले थे पर बीच रास्ते में ही। इसी के साथ कायर सबको सब कुछ बता देता है कि बीच रास्ते में उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह चैटर्जी तारा को लेकर चले गया था और उन्हें बिंदु मिली थी। यामिनी को भी ये बात सुनकर हैरानी हुई थी कि आखिर उन मुर्दों ने बिंदु को कुछ क्यों नहीं किया था, पर उसे इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी वो तारा और चैटर्जी थे, इसलिए वो इस बारे में बिंदु से कुछ नहीं पूछती है। युग उन लोगों पर चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हें तारा को चैटर्जी के साथ इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम में से किसी एक या दो लोगों को उसके साथ ही रहना चाहिए था। रजनी झट से बोल पड़ती है, मैं तो साथ ही रहना चाहती थी युग बेटा, पर इस नालायक अमोदिता ने मुझे भी जबरदस्ती वहीं पर रोक दिया, जाने ही नहीं दिया तारा बेटी के साथ। अमोदिता तुरंत युग के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहती है, युग जी उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, हमें इतने सारे मुर्दे घेर कर खड़े थे कि लग रहा था कि हम उनसे लड़ भी पाएंगे या नहीं, कहीं हम लोग कम ना पड़ जाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग वहीं पर रुक गए थे ताकि उन्हें रोक सके और चैटर्जी को तारा को लेकर वहां से जाने का वक्त मिल सके। वंदना भी अमोदिता का साथ देते हुए कहती है, अमोदिता ठीक कह रही है युग, उन मुर्दों से हम कैसे लड़े हैं सिर्फ हम ही जानते हैं, तुम्हें ये हमारी चोटें नजर नहीं आ रही है क्या।
जब युगुन सबकी चोटें और खून से सने हुए कपड़े देखता है तो उसको भी समझ आ जाता है कि वहां पर उन मुर्दों से लड़ने के लिए उनका रुकना क्यों जरूरी था। युग मायूसी के साथ वर्चस्विनी से कहता है, वर्चस्विनी जी, बाकी सबका तो चलता है पर कम से कम आपको तो तारा के साथ रहना चाहिए था ना, आप माँ है उसकी। वर्चस्विनी कहती है, तुम सही कह रहे हो युग, पर पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे वहीं पर सबके साथ रहकर लड़ना सही लगा। यामिनी परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाती है, अगर चैटर्जी तारा को सबसे पहले लेकर निकल चुका है तो वो तारा को लेकर अभी तक आया क्यों नहीं, अगर देखा जाए तो उन दोनों को तो सबसे पहले इस झरने के पास पहुंचना चाहिए था, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। युग कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं चैटर्जी तारा को लेकर उस काले साए के पास तो नहीं चला गया। युग के मुंह से चैटर्जी के लिए ऐसी बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। अभिमन्यु झट से बोल पड़ता है, ये तो क्या बोल रहा है युग, चैटर्जी भला ऐसा क्यों करेगा। युग कहता है, क्योंकि चैटर्जी वही आदमी है जिसे उस काले साए ने छोड़ दिया था, उसके चारों साथियों की बलि तो चढ़ा दी थी पर उसकी नहीं चढ़ाई थी, मुझे तो लगता है चैटर्जी अभी भी उस काले साए के वश में है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।